हेलो फ्रेंड्स, कुक विद जूही चौधरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। ये हमने एक चम्मच गूंद का तीरा लिया है और इसे हम पानी में भिगोएंगे। ये देखिए, ये गूंद का तीरा कुछ इस तरह का होता है। गूंद का तीरा हम गर्मियों में खाते हैं और ये गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद है। गूंद का तीरा की जो तासीर होती है ना, वो बहुत ठंडी होती है और इसलिए हम इसे गर्मियों में खाते हैं। गूंद का तीरा को हम पानी में भिगोएंगे। सबसे पहले इसे हम 6 से 7 घंटे पानी में भिगोएंगे। पानी में भिगोने से ये फूल जाएगा और इसका जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी फूलने के बाद। ये देखिए, ये मैंने गूंद का तीरा को पहले से ही भिगो के रखा था और ये कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये भीगने के बाद ऐसा हो जाता है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं और इसके लिए मैं अलसी को ड्राई रोस्ट करूंगी। 2 चम्मच मैंने अलसी लिया है। अब 2 ही चम्मच हम तिल भी डालेंगे। सफेद तिल डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। ज्यादा देर तक ड्राई रोस्ट नहीं करना, नहीं तो जल जाएंगे। बस इन्हें इतना रोस्ट करना है कि इनका कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाए। अलसी और तिल को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे नीचे उतार के ठंडा कर लेते हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें ठंडी की हुई अलसी और तिल डाल देंगे। और ये 20-25 मैंने बादाम लिया है, इसे भी डाल देंगे। डली वाली मिश्री डालेंगे। मिश्री नहीं है तो आप इसके लिए चीनी भी डाल सकते हैं। ये मैंने चिया सीड लिया है और इसे हम 3 चम्मच डालेंगे। अब चिया सीड डालेंगे। अब हम इनका बारीक पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर हमें तैयार करके रख लेना है। यह हमने सेकर ले लिया है और अब हम इसमें ये जो हमने पाउडर तैयार किया है इसे डाल देंगे। 3 चम्मच पाउडर डाल रहे हैं। दो चम्मच गूंद का तीरा डालेंगे। और ये मैंने हर्षिस सिरप लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, इसे भी हम डालेंगे। अब हम चिल्ड दूध डालेंगे। आप इसकी जगह थोड़ा सा बर्फ भी डाल सकते हैं। आपको अगर शेक ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा बनके तैयार है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। दोस्तों, बहुत टेस्टी बनती है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इसे सर्व करेंगे और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसे स्ट्रॉबेरी सिरप से गार्निश कर लेते हैं। हम इसी
पाउडर से एक और नई रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं और ये मैं 3 चम्मच पाउडर डाल रही हूँ। शेकर में हम 3 चम्मच पाउडर डालेंगे। दो चम्मच भर के गोंद का तीरा डालेंगे। दही डालेंगे, फ्रेश दही डालेंगे। बर्फ डालेंगे। हल्दी सिरप डालेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में 2 चम्मच। एक चम्मच चीनी डालेंगे। पानी डालेंगे। अब हम इसे सेक कर लेंगे और हमारा टेस्टी और हेल्दी शेक बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चिलचिलाती गर्मी में गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों ये रेसिपी गर्मी से राहत तो देती ही है, साथ में ये वेट को भी लॉस करती है और इम्यूनिटी को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए इसे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आप मैं जो भी नई वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।